आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। क्या आप दूल्हे के बिना किसी शादी की कल्पना कर सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। भला बिना दूल्हे के शादी कैसी? मगर ऐसा होने जा रहा है, एक ऐसा विवाह जिसमें गाजे बाजे के साथ बारात निकलेगी। बाराती होंगे, मंडप सजेगा, दुल्हन होगी और लगन भी होगा, मगर दूल्हा नहीं होगा। जी हाँ, गुजरात के वडोदरा की क्षमा बिंदु एक ऐसी शादी रचाने जा रही हैं जिसमें दूल्हे की जरूरत नहीं है। वो खुद से विवाह करेंगी, यानी एकल विवाह, जिसे सोलोगेमी कहा जाता है। यूं तो एकल विवाह मानव सभ्यता के लिए नया नहीं है। विदेशों में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब लोगों ने खुद से शादी की है, लेकिन ऐसा विवाह भारत का पहला विवाह होगा। 24 वर्षीय क्षमा बिंदु ने ऐलान किया है कि आने वाली 11 जून को वो वडोदरा के हरिहरेश्वर मंदिर में खुद से शादी करेंगी। वो अपनी शादी की तैयारियों में धूमधाम से जुटी हैं। क्षमा बिंदु ने अपनी एकल शादी की सारी तैयारियां वैसी ही की हैं जैसे सामान्य शादियों की जाती है। शादी के लिए क्षमा ने महंगा लहंगा खरीदा है और पार्लर से लेकर ज्वेलरी तक सबका इंतजाम किया है। यहां तक कि हनीमून की भी तैयारी हो चुकी है। और तो और, अग्नि को साक्षी मानकर साथ फेरे भी लेंगी और अपनी मांग में खुद सिंदूर भरेंगी। क्षमा बिंदु से जब उनके इस अजीबोगरीब फैसले का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो कभी शादी नहीं करना चाहती थी, मगर दुल्हन बनने का सपना था, इसलिए उन्होंने खुद से शादी करने का फैसला किया है। इधर 11 जून को होने वाले एकल विवाह का विरोध भी शुरू हो गया। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने विरोध किया है। उनके अलावा वडोदरा की पूर्व मेयर और भाजपा नेता सुनीता शुक्ला भी विरोध पर उतर आई हैं। सबका कहना है कि एकल विवाह हिंदू समाज के लिए ठीक नहीं है। तमाम हिंदूवादी संगठन भी क्षमा बिंदु को शादी नहीं करने की चेतावनी दे रहे हैं। बहरहाल सबकी नजरें 11 जून पर टिकी हुई हैं। बहुत लोग इस शादी के साक्षी बनना चाहते हैं। दूसरी ओर लोगों का विरोध भी चल रहा है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि क्या क्षमा बिंदु खुद से शादी कर पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।